15 में आपने वोट दिया था, ये आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया, फिर वोट कीजिएगा फिर भागेगा, लीजिए। तब सीए एनआरसी आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था, हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंस। आज अगर सीए एनआरसी नहीं बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती तो आज सीए एनआरसी का लाइन लगाकर आप हम हराएंगे, बैलून में हवा हमने भरा है, इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी ऊपर से आकाश उड़ जाएगा उसको पता ही नहीं लगेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA कानून देश भर में लागू हो चुका है, जिसे लेकर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन जारी करते ही पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर लोगों को राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है तो मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि ये बिहार में गठबंधन बनाकर फिर से जनता को ठगने का उपाय कर रहे हैं। आप लोग फिर वोट दीजिएगा फिर ये आदमी आपको ठग कर भागेगा, लिख कर रख लीजिए, मैं उनके साथ रहा हूँ, मुझे उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जब CAA और NRC आया था और लोगों पर तलवार लटकी थी तो किसने अपनी गर्दन बंगाल में जाकर फंसाई? कौन वीर बिहार का बंगाल में लड़ने गया था? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे या फिर नीतीश कुमार गए थे? कोई नहीं गया, हम गए थे अपना कंधा लगाने, अपनी गर्दन फंसाई थी। आज BJP बंगाल में जीत गई होती तो आप लोग अभी लाइन में खड़े होकर फॉर्म भर रहे होते। आप जिनके साथ 30 साल से हैं, आप मुझ पर 3 साल भरोसा कीजिए, स्थिति बदल कर रख दूंगा। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, ये आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया, फिर वोट कीजिएगा फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे हैं, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा, और ये हमको कह रहा है। जरा याद कीजिए, जब सीए एनआरसी आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था, हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। आज अगर सीए एनआरसी नहीं बंगाल में अगर भाजपा जीत गई होती तो आज सीए एनआरसी का लाइन लगाकर आप फॉर्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का भी टीम है, और तुम भैया क्या हो तुम अपने देख लो। अगर समाज में हमको सर्टिफिकेट देना पड़े तो हमको नहीं देना है सर्टिफिकेट, जिसके साथ रहना चाहते हैं आप रहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने हराया है भाजपा को, ये तो लड़ रहे हैं, हमने लड़ के हराया है। आप तो चुनना है कि आप लड़ने वाले के साथ रहना चाहते हैं कि लड़कर जीतने वाले के साथ रहना चाहते हैं। हम हराएंगे, बैलून में हवा हमने भरा है, निकलेंगे हम ही, चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कह रहा है चुनाव कैसे जीतिएगा, उसको मालूम नहीं है। जो मेरा भारी आलोचक है उसको भी पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़ कर चुनाव लड़ाएंगे उसके सामने किसी को नहीं टिकने देंगे, इतना मजबूती से लड़ाएंगे कि नीचे से जमीन खिसकेगी ऊपर से आकाश उड़ जाएगा उसको पता ही नहीं लगेगा। बंगाल में पता लगा, पूरी ताकत लगा दी भाजपा ने, फिर भी नहीं जीतने दिए। आप भरोसा रखिए, साथ में खड़ा होइए और आपको रिजल्ट ला कर देंगे। जिसके साथ आप 30 साल से हैं, 3 साल हम पर भरोसा करके देखिए। हम अपनी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप अपने आप पर भरोसा करके देखिए, स्थिति उससे बदलेगी, और वो जब बदलेगी तो बिहार तक नहीं रहेगी, बिहार के आगे। बता दें कि CAA के आ जाने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।